नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता गर्ग, जो कि कैंसर जांच विशेषज्ञ हैं। और आपको हम बता दें कि लगातार कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। कई प्रकार का कैंसर होता है जिसको लोग समझ भी नहीं पाते हैं। हम सीधे मैम से चर्चा करेंगे कि किस तरह से कैंसर के शुरुआत के लक्षण होते हैं और कितने प्रकार का कैंसर होता है और किस तरह से लोगों को प्रारंभिक रूप से इसकी जांच करानी चाहिए और किस तरह से इसका उपचार रहेगा। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले मैम आपका स्वागत। थैंक यू। किस तरह से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और क्या शुरुआत के लक्षण होते हैं कैंसर के? देखिए, कैंसर जो होता है, कैंसर नाम सुन के ही कोई भी इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कैंसर जो होता है, हमारे शरीर में 100 से ज़्यादा प्रकार का होता है कैंसर। वो मतलब सिर से लेके पैर तक बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के जो लक्षण जो होते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं कि कैंसर हमारे शरीर के किस भाग में हो रहा है। और जो जनरली जो कैंसर के लक्षण होते हैं, जो लगभग कॉमन होते हैं, वो ये होते हैं कि बहुत तेज़ी से वज़न घटना, कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये कुछ होते हैं सामान्य लक्षण जो ऑलमोस्ट सभी कैंसर में पाए जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं स्पेसिफिक लक्षण, जो जिस पार्ट में कैंसर हो रहा है उसी के हिसाब से फिर वो लक्षण सामने आते हैं। जैसे हम कैंसर की बात करें, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इसके क्या लक्षण हैं और किन लोगों में, किन उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा यह कैंसर फैल रहा है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनवरी जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। मतलब कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह। इसका मोटिव ये होता है कि हमें लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, उनको अवगत कराना कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो, उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चादानी के मुंह का कैंसर। ये जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर, जो ये बच्चादानी का जो निचला भाग होता है जिसको कि हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, ये उसको प्रभावित करता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है महिला मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण होता है। भारत में पहले नंबर पर होता है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर या बच्चादानी के मुंह का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो शुरुआत में छोटे छोटे लक्षणों के रूप में सामने आती है। अगर हम इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं तो अंत में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसको कि हम HPV वायरस कहते हैं। इसके मुख्य कारण होते हैं कम उम्र में शादी हो जाना, बार बार गर्भपात होना या एबॉर्शन होना, ज़्यादा बच्चे होना, जिस ज़्यादा बच्चे बार बार डिलीवरी होने से क्या होता है कि जो जो सर्विक्स होता है वो बार बार प्रभावित होता है। उसके बाद एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये होते हैं इसके मुख्य कारण। इसके जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि दो महावारी के बीच में खून का आना, जो जो महिलाएं होती हैं वो जनरली इस तरीके से बताएंगी कि हमको वेजाइना से गंदा बदबूदार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको कि कॉमन भाषा में ज़्यादातर सफ़ेद सफ़ेद पानी जाना बोलते हैं, धात पड़ना बोलते हैं। फिर उनके महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बीच में भी उनको ब्लीडिंग होते रहती है, फिर बहुत तेज़ी से वज़न घटना, कमज़ोरी महसूस होना, उसके बाद में जब वो यूरिन वगैरह जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उसमें उनको दर्द होता है, रिलेशन बनाने के बाद में ब्लीडिंग होना, ये होते हैं इसके लक्षण। अच्छा, ये जो होता है सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो सामान्यतः तो 40 के ऊपर उम्र की महिलाओं में होता है, लेकिन ये कभी कभी कम उम्र में भी हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है पैपस्मियर टेस्ट से और HPV वैक्सीनेशन से। पैपस्मियर टेस्ट एक बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है जो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक हर महिला को 3 साल के गैप में ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है। और दूसरा होता है HPV वैक्सीनेशन या HPV टीकाकरण।
तो ये जो गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स होती है 9 से लेके 14 ईयर्स तक एज की, उनमें एचपीवी वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाते हैं और 15 वर्ष से लेके 45 वर्ष की उम्र तक इस वैक्सीन को लगवाया जा सकता है और इसके 3 डोजेस दिए जाते हैं। तो सर्वाइकल, जैसे ऑस्ट्रेलिया है जो, वो सर्वाइकल कैंसर मुक्त देश हो चुका है सिर्फ पैपस्मियर स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से और एचपीवी वैक्सीनेशन की वजह से। तो जैसे मैंने भी इस जनवरी के महीने में बहुत सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस एक्टिविटीज करी, स्कूल में गांव में जाके लोगों को वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीनेशन और पैपस्मियर टेस्ट के बारे में बताया। तो यही 2 तरीके हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में उनको बताएं, उनको पैपस्मियर टेस्ट और एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करें, जिससे कि जो भारत है वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह सर्वाइकल कैंसर मुक्त देश बन सके। स्किन कैंसर क्या है मैम, जो स्किन का पता नहीं चलता है लोगों को इसके बारे में जाना? जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होता है वो 100 से ज़्यादा टाइप का होता है, वो कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे स्किन कैंसर, तो चमड़ी का कैंसर, तो जैसे कई बार जो बहुत ज़्यादा, एक हो कैंसर 2 टाइप के होता है, एक होता है मतलब कंजेनाइटल कैंसर और दूसरा होता है अक्वायर्ड कैंसर। कंजेनाइटल कैंसर्स वो होते हैं जो जो पैदा होने के वक्त से ही होते हैं, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, हमारे जो जीन्स होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। और अक्वायर्ड कैंसर्स वो होते हैं जो लाइफ में आगे चल के हमको किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो लाइफ स्टाइल होती है। कैंसर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जो हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारे खाना पीना है वो किस तरीके का है। जो जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और जो ज़्यादा फिजिक ज़्यादा अपने बॉडी को मूव नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, जो बैठे बैठे जिनको ज़्यादा काम करना होता है, जो अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कैंसर बेसिकली क्या होता है कि कैंसर में कैंसर क्यों बनता है, हम सबके बॉडी में कैंसर 2 टाइप के जीन्स होते हैं, एक वो जो कि कैंसर को बनाते हैं और दूसरे वो जो कि कैंसर को सप्रेस, कैंसर वाले जीन्स को दबा के रखते हैं। तो जब भी बॉडी में क्या होता है, जैसे कि अचानक से हमारी इम्यूनिटी कम हो गई या बॉडी में कुछ कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो होता ये है कि ये जो 2 जीन्स रहते हैं इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। कैंसर बनाने वाले जीन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो कैंसर को दबा के रखते हैं वो जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इस वजह से कैंसर हो जाता है। कैंसर, अगर स्किन में कैंसर है तो वो आपको, जिसको कैंसर है वो बताएगा कि मुझे कहीं पे गठान जैसा फील हो रहा है, कहीं पे वो एक छाले के फॉर्म में भी सामने आ सकता है। तो फिर इस तरीके से फिर वो आपको जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो बताएगा मुझे कमजोरी फील हो रही है, तेजी से वजन घट रहा है, थकान महसूस होती है, वो उसको उसके चेहरे पे पीलापन, सफेदपन दिखेगा हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से। तो ये है कैंसर, स्किन कैंसर। फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, अगर मान लीजिए कहीं ऊपर से गठान दिख रही है, तो जो सबसे जो एक प्राइमरी जो होता है डायग्नोसिस का जो एक तरीका, वो हम FNAC या जिसको कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, उससे कर सकते हैं। उससे हम नीडल से जहाँ पे भी स्वेलिंग है वहाँ पे एक जस्ट उसको वहाँ से एस्पिरेट करके देखते हैं कि वहाँ पे किस क्या मटेरियल निकल रहा है, पस निकल रहा है कि ब्लड निकल रहा है कि पानी निकल रहा है, किसी टाइप का फ्लूइड निकल रहा है। फिर हम उसकी स्पेशल प्रोसेसिंग करके माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड बना के देखते हैं कि इसमें क्या है। फिर दूसरा जो कन्फर्मेटरी मैथड होता है वो होता है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो उससे पूरा जो 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 सर्जरी वाले जो सर्जन है वो टिश्यू कट करके भेजते हैं, फिर उसको पैथोलॉजिस्ट जो होता है, जो कैंसर डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट, वो उसकी प्रोसेसिंग करके देखता है, फिर पूरा टिश्यू सेल्स की स्टडी करता है कि उसमें कौन से टाइप का कैंसर है, और उसे स्टेजिंग भी मालूम पड़ती है कि कैंसर किस स्टेज पर है। उसका उपचार होता जी बिल्कुल। है।
जो गले में यदि किसी के छाले हैं या मुंह में छाले हैं, लोग उसको मामूली सी समझते हैं, जो तो कोई मामूली सी छाला भी कैंसर बन सकता है लोगों का क्या? बिल्कुल, जैसे कैंसर की जैसे हर बीमारी होती है, वो एकदम से नहीं, मतलब वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे से पहले स्टेज बाय स्टेज बन रही होती है। बस ये होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम फिर वो हमारे सामने आती है। जैसे अगर मान लीजिए माउथ कैंसर, ओरल कैंसर है ना, जीभ का कैंसर, या जो हमारा ये जो बकल म्यूकोसा होता है, गाल का कैंसर, तो इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है कि आपको वो पेशेंट है वो बताएगा कि उसको छाला हो रहा है, मतलब नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब कि लंबे समय से उसको एक कोई ऐसा छाला हो रहा है जो दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, या अगर वो कैंसर पैथोलॉजिस्ट, कैंसर डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट के पास आएगा, तो उसकी हम जांच कर सकते हैं स्क्रैप साइटोलॉजी से और अपना पंच बायोप्सी से। तो जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम उम्र की लोगों में भी आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वजह उसकी यही है कि अभी लोग अपने जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी हो गई है, खाना पीना लोगों का ठीक नहीं रहा है, और ये जो माउथ कैंसर, ओरल कैंसर में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो जो लोग ये तंबाकू गुटखे खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सुपारी खाते हैं, तो इनसे कैंसर होता है। पहले कैंसर वो पहले छोटे से छाले से ही उसकी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा बहुत अपना बड़ा रूप ले लेता है, फिर लास्ट में यही ऑप्शन होता है उसकी सर्जरी करके निकलवाना पड़ता है, या फिर उसकी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेनी होती है। महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, उसके क्या लक्षण है, क्यों बढ़ रहा है सबसे ज्यादा, क्या उपाय है? ब्रेस्ट कैंसर जो है भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है, दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर जो, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, स्तन का कैंसर, ये जनरली ऐसे प्रेजेंट करता है कि ऐसे सामने आता है कि किस कोई भी महिला है वो बताएगी कि उसके ब्रेस्ट में उसको गठान फील होती है। होता ये है कि गठान जो वो छोटे छोटे साइज से स्टार्ट होती है, बट शुरुआती स्टेज में ये होता है कि उस पे महिलाएं ध्यान नहीं देती है। कई बार उनको, क्योंकि वो जैसे कोई घर पे रहने वाली महिला है या काम करने वाली भी है, तो वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उनको कोई तकलीफ हो भी रही होती है तो वो उस पे ध्यान नहीं दे पाते, वो उसको इग्नोर करते हैं। और दूसरा वजह ये होता है कि कई बार हेसिटेशन करते हैं, संकोच करते हैं, नहीं बताते, सोचते हैं कि नॉर्मल सा कुछ होगा, गठान ऐसी होगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, दर्द होता है तो दर्द की दवाई ले लेते हैं। बट ये भी सही बात है कि कहीं ये बहुत छोटी सी गठान है और उसमें कैंसर निकला है, और बहुत बड़ी गठान आप किसी को फील हो रही है ब्रेस्ट में, उसमें कैंसर नहीं निकले। इसलिए कुछ भी, इसलिए अगर छोटी सी भी गठान है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो आपको जैसा आपको एडवाइस करेंगे, FNAC करवाना है, बायोप्सी करवाना है, मैमोग्राफी करवाना है, तो मतलब हमको कुछ भी सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। कैंसर में ये कि हमको अपने आप से ही खुद अपना उपचार, अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमको डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, वही आपको सही एडवाइस देगा, कौन से टेस्ट इसके लिए ज़रूरी है वो करवाएगा, सजेस्ट करेगा, फिर आपकी डायग्नोसिस बन पाएगी, और डायग्नोसिस बन जाएगी तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। कई ऐसे भी केसेस मैंने देखे जिनमें जरूरी नहीं कि हर गठान कैंसर की ही गठान हो। कई कैंसर दो टाइप के होते हैं, एक होता बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब ये कि वो शरीर के जिस पार्ट में होते हैं वहीं पे ही बस रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और वो नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वो फैलते नहीं है। मैलिग्नेंट कैंसर्स वो होते हैं जो अपनी जगह से क्रॉस करके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और वो डेंजरस होते हैं। तो जो महिलाओं में दो टाइप की गठान होती है, जो मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को आती है, एक होता है फाइब्रोएडिनोमा, जो कि कैंसरस नहीं होती है, वो कम एज के महिलाओं में भी मिल सकती है, जैसे 20-22 साल में भी, तो उसमें भी गठान जैसी महसूस होती है, बट उसका ये है कि वो छोटा सा एक ऑपरेशन होता है तो उससे वो गठान निकल जाती है, उससे आगे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है।
दूसरा होता है कि जो महिलाएं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या नहीं भी करवाती हैं तो मिल्क की गठान बन जाती है, उसको बोलते हैं गैलेक्टोसील। बट अगर वो भी है तो भी आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि डायग्नोसिस तभी कंफर्म होगी जब उसका टेस्ट होगा, या FNAC होगी या बायोप्सी होगी। तीसरी गठान जो होती है ब्रेस्ट की टीबी भी बहुत कॉमन है, वो भी गठान के जैसे ही पेशेंट जो है वो यही बताया कि इसको ब्रेस्ट में गठान फील होती है, दर्द होता है, जो ऊपर की जो स्किन रहती है वो रेड हो जाती है, तो भी वो FNAC की टेस्ट से ही कंफर्म होगा। फिर चौथा जो है वो कैंसर की गठान, तो उसमें भी ऐसा पेशेंट का जो ब्रेस्ट में है वो दोनों ब्रेस्ट के का साइज जो है वो अलग हो जाएगा, फिर गठान उसमें होगी जो, और वो दर्द नहीं देती है। मतलब होता यही है कि जो कैंसर की जो गठान होती है उसमें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, इसलिए पेशेंट उसको इग्नोर करता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमको दर्द देती है, तकलीफ देती है, तो हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो कैंसर की जो गठान होती है वो पेनलेस होती है, बट अगर गठान है तो आपको हर महिला को रेगुलरली अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है ब्रेस्ट का, मतलब उसको खुद, क्योंकि डॉक्टर के पास तो आप बाद में जाएंगे, पहले आप खुद अपने बॉडी को अपने शरीर को देखने वाले होते हैं, तो आपको देखने की कोई आपको गठान तो नहीं फील हो रही है, दोनों ब्रेस्ट का साइज में तो फर्क नहीं समझ में आ रहा है, ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, और मैमोग्राफी भी एक 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी करवानी चाहिए, तो उससे ये पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मल टिश्यू, एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही है। युवाओं में भी कैंसर के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो आजकल युवा इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होता है वो दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल और अक्वायर्ड। एक होता है बचपन से होने वाला कैंसर, जैसे किसी की फैमिली, कुछ कैंसर होते हैं जो फैमिलियल होते हैं, मतलब वो फैमिलीज में चले आ रहे होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, ओवरी कैंसर होता है, कोलन मतलब इंटेस्टिन आंतों का कैंसर होता है, ये कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, तो वो जीन्स होते हैं, वो कैंसर वाले जीन्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं, तो इस वजह से कैंसर हो जाता है। फिर कुछ होते हैं बच्चों में जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 महीने के भी, 1-2 साल के भी, उनमें होता है, उनको बोलते हैं चाइल्डहुड कैंसर्स, तो उनमें ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर मतलब खून का कैंसर, ये उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें तो अब जैसे बच्चे, अब हम सोचेंगे कि बच्चे तो क्या करते हैं, उनका तो लाइफस्टाइल कोई अनहेल्दी नहीं होता, वो तो खाना पीना भी नहीं होता, लेकिन वो कंजेनाइटल हेरिडिटरी कैंसर है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका बस यही है कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको अपना वो जीन की टेस्टिंग करानी पड़ेगी, आपको कैंसर के जीन की टेस्टिंग करानी पड़ेगी कि कहीं आपके बॉडी में भी तो वो कैंसर वाला जीन नहीं आ गया है। फिर जो अक्वायर्ड कैंसर हैं, जो आगे चल के एज में होते हैं, उनका कारण यही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तंबाकू गुटखा खाना, सिगरेट बीड़ी पीना, तो ये सब चीज़ों को, इसलिए कैंसर का बहुत हद तक हम बचाव कर सकते हैं अपने बॉडी की रेगुलर स्क्रीनिंग करवा के, अपने आप को फिट रख के, हेल्दी रख के, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, हमको कुछ ना कुछ जो जो भी मतलब 45 मिनट्स दिन में आपको कुछ एक्सरसाइज करिए, या कुछ भी स्पोर्ट खेलिए, या कुछ भी आपको उस तरीके की अपने आप को जिसमें आपका बहुत पसीना निकले, आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है, और आपको खाना पीना हमेशा अपना अच्छा हेल्दी रखना है। एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे, जो कैंसर के लोग को लेकर लोग कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर कैंसर है, सेकंड स्टेज पर है, तो एक क्या स्टेज क्या होती है इसके लिए? जी, जैसे कैंसर होता है कि वो एक एक फर्स्ट स्टेज से लेके फोर्थ स्टेज तक धीरे धीरे जाता है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो कैंसर का जो स्टेज है वो हमें चांस देता है कि अभी भी वक्त है, आप कैंसर को पहचान लीजिए और इसका आप समय पे इसका सही इलाज ले लीजिए। जैसे फर्स्ट स्टेज नाम से ही क्लियर है, मतलब शुरुआत, जैसे कैंसर, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो फर्स्ट स्टेज पर है,
मतलब कि ये कि अभी वो सिर्फ जो सर्विक्स है वहीं तक बस वो लिमिटेड है, स्टेज टू में चला गया मतलब वो धीरे धीरे अब फैल रहा है, मतलब वो अपनी जगह से बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। जैसे वो सर्विक्स के ऊपर यूट्रस होता है वो उधर यूट्रस में जाएगा, फिर स्टेज टू को क्रॉस कर गया, फिर जो उसके आसपास के टिश्यूज हैं फिर उसने उसको भी अपनी चपेट में ले लिया, फिर फोर्थ स्टेज है मतलब वो पूरे बॉडी में फैल गया। तो वो हमको वार्निंग, जैसे आपने सपोज करिए किसी का कैंसर जो है स्टेज वन या टू में डिटेक्ट हो गया, तो वो आपको एक तरीके से आपके पास एक चांस था कि आप अभी भी आप ट्रीटमेंट लेंगे पूरा तो आप सही हो जाएंगे, आप एक ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं। फिर अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर आ जाता है, वो एक बार फैल जाता है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, प्रोग्नोसिस कभी कभी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि कुछ कैंसर जो होते हैं जो अगर थोड़े लेट स्टेज में भी मालूम पड़ते हैं बट उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, कुछ कैंसर्स होते हैं जो जिनकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है, जब वो लास्ट स्टेज में मालूम डिटेक्ट होते हैं तो फिर मतलब पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो हमारे साथ थी डॉक्टर स्विता गर्ग, जिन्होंने कैंसर को लेकर विस्तार से आपको जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की यदि कैंसर जैसे लक्षण दिखें तो चाहे महिलाएं हों या युवा हों उसको ना छुपाएं और तुरंत ही उसकी जांच करवाएं और उपचार कराएं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।